अस्सलाम वालेकुम। आज बनेगी ग्रिल सैंडविचेस, ये मैकरेल के सुरमई के बच्चे हैं, ये समझे एक एक किलो के 750 ग्राम 17 पाव के। आज हम ये काटने जा रहे हैं अपनी जैपनीज नाइफ से दो किंग मैकरेल्स, स्मॉल है 750-800 ग्राम्स। बहुत ही नाजुक मछली है, गोश्त कट जाता है इसका। चार पीसेस हो गई है, सही है। अब इसको हम पूरा ग्रिल करेंगे ना, जो छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि ये अंदर से नहीं पक जाए। ये पूरी तेल के पीस को हम ग्रिल करेंगे, ठीक है। हम इसके स्लाइस भी बना सकते हैं। साफ सुथरा पेट है, इसमें ज्यादा कचरा नहीं है। फ्रेश नहीं होगी तो पेट खराब होता है, इसकी मैंने गलफड़े निकाल दिए। मैं तो सोच रहा हूँ नानी ये हम उसके लिए रख ले, इसके लिए ये ग्रिल के लिए, ये करी के लिए रखते हैं। इसका जब ये हल्का सा ब्लड निकालना होता है, ये हम थोड़े में निकल जाएगा, इसको हम ग्रिल के लिए रखते हैं और फ्राई के लिए, सही है। हाँ, ये पर साफ करना पड़ेगा तो पतला कर, यहाँ से कट गया ये, इसका भी यही करेंगे। जरा छुरी को बहुत हड्डी वड्डी से काट दीजिए, यहाँ से कट गया। और ये यहाँ से थोड़ा सा ये पर भी उठा उड़ा देंगे, सही करना है। थोड़े मोटे पीस रखते हैं पतले में कटेगा, ये तीन पीसेस हमने सालन के लिए रखे हैं, इसको भी हम फ्राई और सालन के लिए बना देते हैं। Thank you.
छुरी को कमाल है, जबरदस्त। ये देखें जबरदस्त छोटे पीसेस बने हैं, ये कुछ मोटे पीसेस हमने सालन के लिए रखे हैं, और ये भी सही है, और ये जबरदस्त ग्रेट। ये हमने किंग फिश अपनी काट ली है और कुछ करी के पीसेस बनाए हैं, करी हम कल परसों बनाएंगे, आज हम इसकी ग्रिलिंग करेंगे दो टेल के पीसेस की, ये पीसेस की अपनी नानी के लिए, ये पीसेस की, इंशाल्लाह आपको फिर बताते हैं ज़रा चारकोल ऑन करके। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, आज किंग फिश बारबेक्यू और ग्रिल हम बना रहे हैं, तो अभी ग्रीन चिलीज और लहसुन हम पीसेंगे, थोड़ा बहुत फिश फ्राई मसाला लगाया हमने इसमें और सॉल्ट लगाया, अभी लेमन गार्लिक और ग्रीन चिलीज ये लगेंगी और ग्रिल पे चढ़ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने गार्लिक, ग्रीन चिलीज और लेमन, ये हमने इसको मैरिनेट कर दिया, अब इसको ग्रिल पर लगाने वाले हैं। जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारी किंग फिश, किंग मैकरल के पीसेस ग्रिल पे लग गए हैं, मैरिनेशन भी हो चुकी है, अब इसको हम रख रहे हैं अपने अंगीठी पे ग्रिल करने के लिए। ये हमने रख दिया, बहुत बेहतरीन, जज़ाकअल्लाह। और हमारी ग्रिल चल रही है, किंग फिश, गार्लिक, ग्रीन चिलीज, सॉल्ट, लेमन और थोड़ा सा फिश मसाला, अब इसको पलटते हैं थोड़ा सा। ओहो, थोड़ा सा ब्लैकिश हो रहा है, आज ज़रा हीट ज़्यादा है, इसकी खाल थोड़ी सी काली हो जा रही है, जल रही है, और ये छोटी किंग फिश है ना, थोड़ी सी सेंसिटिव है इसकी स्किन, मोटी नहीं है। चले, जब 70-80% हो जाएगी तो उसको हम ऑयलिंग करेंगे। जज़ाकअल्लाह। दिस इज़ इट, फिश हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, इसकी थोड़ी सी खाल जो स्किन है वो पतली होती है ना, वो थोड़ी जल रही है, और थोड़ा सा जो मसाला गार्लिक और ग्रीन चिलीस थोड़ी मोटी मोटी थी, जो मसाले हैं वो जल रहे हैं, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बन गई है, ज़बरदस्त। अभी हम उसको डिश आउट करते हैं, फिर आपको बताते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन बनी है, बहुत। आपको दिखाते हैं इसका टेक्सचर, वाह 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 वाह, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। थोड़ा सा इसका जो जल रहा है वो ये उसकी खाल है, और थोड़ा सा जो मसाला। तो जी जनाब, हमारी किंग फिश तैयार हो गई है, अब नानी खाकर बताएंगी कैसे बनी है। नानी काटो उसको। नानी खा रही हैं किंग फिश। नानी ऐसे नहीं, इसको ज़रा ऐसे खाओ ना, ये देखे, ये ले पीस ले, ज़बरदस्त। कैसी बनी? नहीं अभी कैसे पता चलेगा, और लो ना फिर पता चलेगा ना। वो ये अंदर का पीस में देखो, ये आप ले, इसमें देखें इसमें सॉल्ट आया है नहीं आया, नमक लगाया है। मैरिनेशन तो मैंने बहुत पहले कर ली थी। हाँ ज़बरदस्त है। तो ये ग्रिल फिश, किंग फिश की ग्रिल फिश तैयार है, और आपने देख लिया, बहुत इजी, बहुत ही ज़बरदस्त। जज़ाकअल्लाह, सलामो अलैकुम, दुआ में याद रखें। ले ना पीस लें आप, ये यहाँ से ले ना, ये ले। कैसा इसमें मसाला भी किनारे से लगा हुआ है, देखें, केचप लगाएं और खाएं। थोड़ा सा इसकी स्किन और ये मसाले जले थे। कैसी है नानी? मज़े का है। कैसा है? चबाएं। मैं आपके लिए ब्रेड लाता हूँ, उसको सैंडविच बनाएं, आप खाएं, और ये मैं आपको खा के बताता हूँ, खाएं। अच्छी है।